सभी को नमस्कार। डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर एससीईआरटी यूपी ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग सोशल स्टडी के विषय के अंदर जो भूगोल विषय है उसमें जो भारत के प्राकृतिक प्रदेश हैं उसके बारे में आप सबों से बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले हम लोगों को यहाँ पे भारत का एक जो भौगोलिक परिचय है उससे अवगत होना बहुत जरूरी है। तो भारत का जो विस्तार है वो कैसे है, भारत का क्षेत्रफल क्या है, इसके बारे में ये जानना बहुत जरूरी है। तो जैसे हम बात करें कि भारत की जो स्थिति है, जैसा कि हम सब जानते हैं कि भारत एक विशाल देश है और यह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। आप सब इस बात से परिचित होंगे कि जो ग्लोब है उस ग्लोब को हम दो भागों में इक्वेटर जो है वो डिवाइड करते हैं। तो इक्वेटर के जो ऊपर वाले जो भाग होते हैं वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, उत्तरी गोलार्ध, और उसके नीचे वाले जो भाग है वो दक्षिणी गोलार्ध, साउदर्न हेमिस्फीयर का। तो 0 डिग्री जो इक्वेटर जो लेटीट्यूड है उसके ऊपर के भाग को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और उसके नीचे के भाग को साउदर्न हेमिस्फीयर कहा जाता है। तो इस इक्वेटर से ऊपर जो है भारत की स्थिति और यह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है और उसका जो लैटिट्यूडनल एंगल है वो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांश तक और 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट जो है पूर्व देशांतर तक भारत की जो भौगोलिक स्थिति है। इस मैप में भी आप स्पष्ट रूप से देख रहे हैं कि कैसे जो ये मैप में स्पष्ट रूप से डिवाइड किया गया है और जो नॉर्थ साउथ भारत की जो बीच में जो डिस्टेंस है वो जो है 37 डिग्री 6 मिनट से लेके 8 डिग्री 4 मिनट के बीच में ये जो लंबवत लाइन आप देख रहे हैं इसकी जो दूरी है वो 3,214 किलोमीटर है। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि नॉर्थ साउथ जो भारत का डिवीजन की जो लेंथ है वो 3,214 किलोमीटर है और ईस्ट वेस्ट जो डिस्टेंस है आप तो यहाँ देख रहे होंगे कि 2,933 किलोमीटर है। तो और इसका जो अक्षांशीय विस्तार है कहाँ से कहाँ तक किस अक्षांश में ये दूरी है इसको या इस मैप में स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। और इसमें आप देखिए कि जो कर्क रेखा है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जिसको कर्क रेखा जो है 23 डिग्री 30 मिनट उत्तर में देश को लगभग लगभग दो बराबर भागों में डिवाइड करती है। तो कर्क रेखा जो है वो कहाँ किस किस राज्यों से होकर गुजरती है इस तरह के सवाल बहुत सारे प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं कि कर्क रेखा किन किन राज्यों से होकर जाती है। इसको मैप में स्पष्ट रूप से आप देखेंगे कि कर्क रेखा किन किन राज्यों से होकर गुजरती है। कभी कभी इस तरह के भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि ईस्ट से वेस्ट में जाने वाले राज्यों का क्या क्रम है, वेस्ट से ईस्ट में जाने गुजरने वाली जो राज्य रेखा है ये उसका क्या क्रम है, किन किन राज्यों को होकर जाती है। ये आपके लिए एक बहुत अच्छा सवाल है, इसको आप अपने मैप में एटलस में उसको खोजने की कोशिश करिएगा और उन राज्यों की पहचान करिएगा कि कहाँ से कर्क रेखा गुजरती है। अब हम बात करेंगे कि जो भारत का जो आकार है वो कितना बृहद है, कितना फैला हुआ है इसके बारे में। जैसा कि हम सब जानते हैं कि जो भारत का जो भूभाग का जो कुल क्षेत्रफल है वो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है और इसको अगर वैश्विक परिदृश्य से तुलना करें तो ये विश्व में भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% है। और इस प्रकार से जो भारत है वो विश्व का जो है 7वां बड़ा देश है और इस टेबल में भी हमने ये बताने की कोशिश की है कि 7वां बड़ा देश है तो भारत से पहले के जो 6 बड़े देश हैं वो कौन कौन है और उनका जो क्षेत्रफल क्या है। तो जैसा कि इस टेबल से स्पष्ट है कि सबसे बड़ा जो देश है वो रूस है और उसका जो क्षेत्रफल है वो 17.09 प्रति 10 लाख वर्ग किलोमीटर यहाँ पे। तो उसके बाद दूसरे नंबर पे कनाडा है, तीसरा नंबर पर संयुक्त राज्य अमेरिका है, चौथे नंबर पर चीन है, पांचवें पे ब्राजील है, छठवें पे ऑस्ट्रेलिया है और सातवें नंबर पे भारत है। तो इस प्रकार जो है भारत जो है विश्व में 7वां सबसे बड़ा देश है
और भी इस तरह के जो 8वें नंबर पे कौन है, 9वें नंबर पे कौन है, 10वें नंबर पे कौन है, इसको आप खोजिएगा, सर्च करिएगा किताबों में, एटलस में। ये इस तरह के बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं कि टॉप 10 ऐसे कौन कौन देश है, तो उनका जो क्रम है ये इस प्रकार से है। और जो भारत की जो स्थल सीमा रेखा है उसकी लंबाई लगभग 15,200 किलोमीटर है, जो लैंड बॉर्डर जहाँ जिसको कहते हैं वो 15,200 किलोमीटर है। और समुद्री तट रेखा जो है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप समूह के साथ मिलकर के 7,516 किलोमीटर है। इस मैप में स्पष्ट रूप से आप देख सकते हैं कि भारत के पड़ोसी राज्य कौन कौन हैं, भारत की उत्तर से दक्षिण के बीच की लंबाई कितनी है और पूरब से पश्चिम के बीच की लंबाई कितनी है। इस मैप में ये सारी चीजें स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही हैं, लेटिट्यूडनल। और एक और इसमें इस मैप में आपको एक लाइन जो नॉर्थ साउथ के रूप में डॉटेड लाइन है जिसको हम मानक यानी उत्तर कहते हैं, और ये कहाँ से गुजरती है, जो कि ये मानक समय रेखा है। और इस जो को हम सब जानते हैं कि जो ग्रीनविच लाइन है जो लंदन से होकर गुजरती है, और वो समय रेखा 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड्स पे उसको हम डिवाइड करते हैं, पूरी दुनिया का जो टाइम मानक है उससे ईस्ट में और उससे वेस्ट में, तो 0 डिग्री लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड से हम समय का विभाजन करते हैं। इस प्रकार जो भारत की स्थिति है 82 डिग्री 30 मिनट्स लॉन्गिट्यूड पे ये रेखा जो है काटती है। इस पर भी बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं कि कहाँ से ये भारत की जो मानक यामी उत्तर रेखा है वो कहाँ से गुजरती है, किन किन राज्यों से होकर जाती है, और भारत में वो कौन सा स्थान है जहाँ पे हम समय का निर्धारण करते हैं। तो ये तो रहा भारत की स्थिति और आकार के बारे में एक भौगोलिक परिचय। और दूसरा जो एक महत्वपूर्ण पॉइंट है ये बात जानना जरूरी है कि भारत और तथा विश्व, तो भारत के जो पड़ोसी हैं वो कौन कौन से हैं, भारत किन किन राज्य देशों के साथ सीमाएं साझा करता है, ये बात भी जानना बहुत जरूरी है। जैसा कि हम जानते हैं कि भारत जो है भूखंड, भारत का जो भूखंड है वो एशिया महाद्वीप के पूर्व और पश्चिम के मध्य में स्थित है, यानी कि दक्षिण साउथ एशिया में भारत की स्थिति है। तो भारतीय भूभाग एशिया महाद्वीप का दक्षिणी विस्तार है, और हिंद महासागर जो कि पश्चिम में यूरोपीय देशों और पूर्वी एशियाई देशों को मिलाता है, भारत को एक केंद्रीय स्थिति प्रदान करता है। अगर आप मैप में देखें तो ये स्थिति बहुत स्पष्ट रूप से आपको दिखाई देगी, जिसमें दक्षिण का पठार जो है हिंद महासागर में शीर्षवत फैला हुआ है, और पश्चिम एशिया, अफ्रीका और यूरोप के देशों के साथ साथ पूर्वी एशिया के देशों से भी पूर्वी तट के माध्यम से निकटतम संबंध बनाए हुए हैं। तो हिंद महासागर में किसी भी देश की तटीय सीमा भारत जैसी नहीं है, और भारत को इसी महत्वपूर्ण स्थिति के कारण एक महासागर का नाम इसके नाम पर रखा गया है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि हिंद महासागर का जो जियोपॉलिटिकल इम्पोर्टेंस जो है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत सारे व्यापारिक मार्ग जो हैं वो इसी महासागर से होकर जाते हैं। यूरोप में जाने के लिए हमको पहले अफ्रीका से फिर स्वेज कैनाल के थ्रू हम लोग यूरोप जाते हैं। ईस्टर्न एशिया के जो बहुत सारे कंट्री हैं उनके साथ भी हमारा जो व्यापारिक संबंध है वो हिंद महासागर के रास्ते से ही जाता है। इस पूरे महासागर में और उस महासागर के साथ जो भारत की भौगोलिक स्थिति है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण है, सामरिक रूप से महत्वपूर्ण है और सांस्कृतिक रूप से भी बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत सारे जो व्यापार और जो रूट्स डेवलप हुए हैं, तो भारत की जो पूरी दुनिया के साथ जो कनेक्टिविटी है वो इस महासागर के साथ होती जाती है, और इस महासागर के जो पड़ोसी देश हैं हमारे उनके साथ भारत के क्या संबंध है, इस पर भी ये बात भी जानना बहुत जरूरी है। इसलिए भारत के का जो हिंद महासागर है वो भारत के की जो स्थिति है उसके साथ साथ सामरिक स्थिति और जियोपॉलिटिकल सिनेरियो, जियोपॉलिटिकल स्ट्रक्चर, इन सब बातों को भी के लिए ये हिंद महासागर बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है भारत के। अब हम बात करेंगे कि भारत के कौन कौन से पड़ोसी हैं, और उसके पहले ये भी जानना जरूरी है कि
भारत में जो है वो 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरी को मिला करके भारत है। तो भारत के जो पड़ोसी देश, भारत का दक्षिण एशिया में महत्वपूर्ण स्थान है, जैसा कि अभी मैंने बात किया, और भारत में 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरी हैं। अभी रिसेंटली 2 यूनियन टेरिटरी लद्दाख और जम्मू कश्मीर बने। जो राज्य कौन कौन से हैं, उन राज्यों की राजधानी क्या क्या है, यूनियन टेरिटरी की राजधानी क्या है, ये सब भी आपको जानना बहुत जरूरी है। अब हम बात करेंगे कि भारत किन किन देशों के साथ अपनी सीमाएं साझा करता है। तो भारत की सीमाएं उत्तर पश्चिम में, अगर हम मैप में भी पुनः मैं मैप दिखाऊंगा, उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, के साथ उत्तर में जो चीन है, जो जो पहले तिब्बत था, अब चीन ने आधिपत्य कर लिया है। तो हम पूर्व में हमारी सीमाएं जो तिब्बत के साथ लगती है, तो उत्तर के जो उत्तर में लगने वाले जो भारत की सीमाएं हैं, उत्तर और उत्तर पश्चिम में, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और तिब्बत और नेपाल के साथ और लगती है उत्तर पश्चिम में। और उत्तर में चीन, नेपाल और भूटान है। तो और पूरब में म्यांमार और बांग्लादेश के साथ, और दक्षिण में समुद्र के पार नीचे जो हमारे दो पड़ोसी राज्य हैं, देश हैं, एक है श्रीलंका और दूसरा है मालदीव। और ये भी बात जानना बहुत जरूरी है कि भारत और श्रीलंका के बीच पाक जल संधि और मन्नार की खाड़ी जो है, भारत और श्रीलंका के बीच में दो को डिवाइड करती है। मालदीव लक्षद्वीप जो है, मालदीव जो है वो लक्षद्वीप समूह के दक्षिण में स्थित है। तो आप इस मैप में ये देखिए कि उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान और उत्तर में ये चीन, चीन के साथ सीमाएं हैं, चीन, नेपाल, भूटान, पश्चिम में बांग्लादेश और म्यांमार की सीमाएं हैं, और दक्षिण में ये श्रीलंका है। तो ये हमारे पड़ोसी देश हैं, इनके साथ भारत की सीमाएं लगती है। और भारत के पश्चिम में अरब सागर है और उत्तर में बंगाल की खाड़ी है। और ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह की स्थिति है भारत के, और ये लक्षद्वीप है। और डिटेल में हम जब भारत की प्राकृतिक प्रदेश के बारे में बात करेंगे, तो इन सब भारत के अंदर और कैसे भूखंड हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे। अब हम बात करते हैं कि भारत के जो प्राकृतिक प्रदेश है, मेजर जो फिजियोग्राफिक डिवीजन है, भारत को हम मुख्य रूप से चार प्रमुख भौगोलिक क्षेत्रों में विभाजित करते हैं, जिसमें सबसे पहला जो है उत्तर का जो पर्वतीय हिमालय प्रदेश है, उत्तर भारत के उत्तर में जो हिमालय है, वो कश्मीर से लेकर के और अरुणाचल प्रदेश तक फैला हुआ है। उसके बाद दूसरे नंबर पे आप इस मैप में देख रहे होंगे कि ये उत्तर का जो विशाल मैदान है, मैदानी भाग है, तो पहला जो भाग है वो पहाड़ी हिमालय का रीजन है। ये जितने आप देख रहे होंगे ग्रे वाले जो पार्ट्स हैं, ये एक नंबर यहाँ पे दिया हुआ है, ये जो है वो नॉर्दर्न माउंटेन के पर्वतीय हिमालय प्रदेश है। दूसरा जो है प्रमुख उत्तर का विशाल मैदान। तीसरा यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि राजस्थान में थार मरुस्थल है। चौथा जो भारत का जो प्रमुख भाग है वो प्रायद्वीपीय पठारी, पेनिनसुलर इंडिया जिसको हम कहते हैं, पेनिनसुला को तो जो प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश है। तो प्रायद्वीप क्या है कि जो स्थल भाग समुद्र के को के तीन तरफ से घिरा होता है उसको हम पेनिनसुला कहते हैं। तो प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश है, इसमें आप यहाँ से देख रहे हैं कि अरब सागर और बंगाल की खाड़ी और नीचे हिंद महासागर। तो ये जो जहाँ जितना भाग है वो पेनिनसुला है, प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश। और पांचवा जो है वो भारत का तटवर्तीय मैदान, कोस्टल प्लेन्स ऑफ इंडिया जो है, ये देखिए ये पूरे जो अरब सागर, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरला, ये पूरा कोंकण से लेकर कोंकण का रीजन, फिर मालाबार रीजन, फिर इधर देखेंगे कि तो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, बंगाल। तो ये जो कोस्टल प्लेन्स हैं, ये पांचवा प्रमुख भौगोलिक
वो भारत का जो है प्राकृतिक प्रदेश। छठवां जो है भारतीय महाद्वीप, द्वीप जो जैसा कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप समूह, तो ये इस तरह से भारत को हम फिजियोग्राफिक डिवीजन के रूप में, प्राकृतिक प्रदेश के रूप में 6 प्रमुख भागों में बांटते हैं, जिसमें पहला है उत्तर का पर्वतीय हिमालय प्रदेश, दूसरा है उत्तर का विशाल मैदान, तीसरा थार मरुस्थल और चौथा प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश, और पांचवा है भारत का तटवर्ती मैदानी भाग, और भारत छठवां है भारतीय महाद्वीप। अब इन भाग को हम निश्चित रूप से यहाँ पे समझने की कोशिश करें। जैसा कि भारत का जो उत्तर का हिमालय पर्वत है, वो भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत है, और ये हिमालय जो है वो हिमालय बर्फ का घर जिसको कहते हैं, बर्फ की चादरें वहां बिछी रहती हैं, उसको हिमालय कहते हैं। और हिमालय पर्वत श्रृंखला जो है अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत, नेपाल, चीन और भूटान में फैली हुई है। हिंदू कुश पर्वत से लेकर के अगर देखा जाए तो ऊपर ट्रांस हिमालय, और हिमालय को भी हम कई भागों में बांटते हैं। एक तो ट्रांस हिमालय जो काराकोरम रेंज है, जो ट्रांस हिमालय का पार्ट है, और इसको इसकी पूरी जो रेंज है वो इन इन देशों में फैली हुई है। इसमें प्रमुख रूप से जो अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत, नेपाल, चीन और भूटान में फैली हुई है। हिमालय पर्वत, जैसा कि हम सब जानते हैं कि हिमालय पर्वत की श्रृंखला विश्व की सबसे ऊंची चोटी जो माउंट एवरेस्ट है, वो नेपाल जो जिस जो इसकी वर्तमान स्थिति नेपाल में है, माउंट एवरेस्ट पिक जो है वो विश्व की सबसे बड़ी ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई जो है 8,848 फीट है, 8,848 मीटर है, और ये नेपाल में स्थित है। दूसरी जो है जिसको हम केटू कहते हैं, काराकोरम रेंज में पाई जाती है, और इसके अलावा केटू, कंचनजंगा जैसी चोटी भी हिमालय पर्वत में स्थित है, और नंदा देवी, इस तरह के बहुत सारे जो हिमालय के अंदर जो चोटियां हैं, प्रमुख चोटियां हैं, उनकी ऊंचाइयां हैं, उनको तो आपको जानना जरूरी है कि कौन सी चोटी किस हिमालय में पाई जाती है, उसकी ऊंचाई कितनी है, इस तरह के बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं प्रतियोगी परीक्षाओं में, और टेट जो टेट टीचर एजुकेशन टेस्ट है, या और भी जो भी प्रतियोगी परीक्षाएं, इसमें इन प्रमुख चोटियों के बारे में बहुत सारे सामान्य ज्ञान के सवाल होते हैं। हिमालय पर्वत भारत के लिए बेहद महत्वपूर्ण, जैसा कि हम सब जानते हैं कि विस्तृत रूप से ये बात जानना जरूरी है कि हिमालय का जो स्थिति है वो भारत को कई तरह से, एक तो सामरिक रूप से भारत का क्या महत्व है, जलवायु के रूप में भारत का क्या महत्व है, जैसा कि मानसून, मानसून अगर भारत हिमालय नहीं होता तो भारत भी मानसून, यहाँ पे जो हमारे उत्तर के मैदानों में जो बारिश होती है वो हिमालय की वजह से होती है, और हिमालय अगर नहीं होता तो साइबेरिया से जो ठंडी हवाएं चलती हैं आप देखेंगे तो उसको भी रोकता है। तो भारत जो भारत के परिप्रेक्ष्य में हिमालय जो है बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करता है, एक तरह से वो दीवार के रूप में था। जब से 1962 में चाइना ने अटैक किया, तो ये मतलब उसके पहले तक ये धारणा थी कि भारत उत्तर से में कोई भी जो विदेशी आक्रमणकारी थे वो उत्तर हिमालय को पार करके नहीं आते, तो एक तरह से भारत के लिए हिमालय जो है एक तरह से प्रहरी का काम करता था, वो रक्षक दीवार के रूप में भी है, और प्राकृतिक रूप से भारत जो मानसूनी हवाएं हैं वो हिमालय से जाकर टकराती हैं, फिर कंडेंसेशन होता है, फिर बारिश होती है, और वो वर्षा का जो विस्तार होता है वो उत्तर के विशाली विशाल मैदान में भी फैलता है। तो हिमालय का जो स्थान है और हिमालय की जो स्थिति है वो भारत के लिए ही बेहद ही महत्वपूर्ण है। जैसा कि मैंने भी अभी बताया कि हिमालय पर्वत भारत की मानसून हवाओं को भारत में रोकता है, और साइबेरिया की ठंडी हवाओं से भी भारत की सुरक्षा, श्रीनगर, शिमला, मसूरी जैसे कई जो हिल स्टेशन हैं वो उनका भी सांस्कृतिक आर्थिक रूप से बहुत बड़ा योगदान है। तो इसमें लेक्स भी हैं बहुत सारी, और उन लेक का भी डल लेक जो है कश्मीर के अंदर, वो भी एक तरह से पर्यटन के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। जो भी हिल स्टेशन है जहाँ बर्फबारी होती है, तो
तो इस तरह के बहुत सारे प्लेसेस हैं हिमालय के अंदर जो प्राकृतिक रूप से भी महत्वपूर्ण है, सामरिक रूप से भी महत्वपूर्ण है और पर्यटन के दृष्टि से भी महत्वपूर्ण रोल करते इसके अंदर बहुत सारे जो तीर्थ स्थान हैं हिमालय के अंदर, जैसे कैलाश मानसरोवर है, अमरनाथ है, वैष्णो देवी है, ये सब जो तीर्थ स्थान हैं ये भी हिमालय के अंदर स्थित हैं, बद्रीनाथ केदारनाथ। तो ये जो पौराणिक स्थल हैं, हिंदुओं के जो तीर्थ स्थल हैं, ये भी सांस्कृतिक रूप से बहुत बड़ा भारत की एकता और अखंडता के लिए महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं। तो हिमालय को हम प्रमुख रूप से तीन भागों में बांटते हैं, बृहद हिमालय, हिमाचल और बाह्य हिमालय। तो जो जो भी ये चोटियां हैं या जो ये जो बृहद हिमालय, हिमाचल और बाह्य हिमालय का जो डिवीजन है वो बेस्ड ऑन हाइट्स है। शिवालिक सबसे नीचे है, उसके बाद हिमाचल है, हिमाचल की चोटियां हैं। हिमाचल यहाँ कहने का मतलब केवल हिमाचल राज्य से नहीं है, हिमाचल की जो चोटी है वो कई राज्यों में फैली हुई है। उसके बाद जो है ग्रेटर हिमालय जो आता है उसके ऊपर फिर आगे ट्रांस हिमालय, फिर तिब्बत का पठार है। तो इस तरह से हिमालय को हम तीन प्रमुख भागों अब हम बात करेंगे। दूसरा जो प्रमुख प्राकृतिक क्षेत्र है वो उत्तर का विशाल मैदान है। तो यह भारत की तीन प्रमुख नदियां सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र द्वारा बनाए गए हैं। और नदी जो ये विशाल मैदान बने हैं वो नदियों के द्वारा लाए गए बजरी, कंकड़, मिट्टी, धूल जो फैली है उससे बृहद क्षेत्र का निर्माण होता है और वो मैदानी भाग कहे जाते हैं। और यह विश्व का सर्वाधिक उपजाऊ और घनी आबादी वाला क्षेत्र है। तो जो प्लेन है वो नदियों के द्वारा लाई गई मिट्टी और नदियों से जो जल और नदियों से आवागमन, तो इन सब चीजों से जो आबादी का जो क्षेत्र है वो ह्यूमन हैबिटेट सेंटर्स के रूप में, और जैसा कि हम सब जानते हैं नदी घाटी सभ्यता, नदी घाटी जो भी सभ्यताओं का विकास हुआ उसमें नदी का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रोल होता है। तो चाहे वो जितनी भी नदी घाटी सभ्यताएं विश्व में आपको मिलेंगी उसमें नदी का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रोल है। इसके पीछे ये है कि नदी जो है आवागमन का साधन है, नदी के द्वारा जल मिलेगा, जल से हम सिंचाई करेंगे, पीने योग्य भी जल मिलेगा सिंचित, और वो जमीन जो है ऑलरेडी प्लेन है, लेवल लैंड है और उपजाऊ है, क्योंकि हर साल बाढ़ के द्वारा मिट्टियों का वो मिट्टी नई मिट्टी आती है फिर पुरानी मिट्टी फैल के कहीं और जाती है। तो इस तरह से तो नदी घाटी सभ्यता जो है बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। तो इन मैदानी भागों में, तो जिसमें कि अगर देखें कि पश्चिमी मैदान जो पंजाब में फैला हुआ है यह सिंधु और उसकी सहायक नदियों से बनाया गया है, और इसका अधिकांश भाग जो है पाकिस्तान में है। तो जो सिंधु नदी है इसकी बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज हैं, जो सतलज है, चिनाब है, रावी है। इस तरह से जो पंजाब पांच नदियों से, पांच नदियां हैं जो सिंधु की सहायक नदियां हैं, इन नदियों द्वारा जो मैदानी भाग बने हैं उसका अधिकांश भाग आज पाकिस्तान में है। तो और जो हमारा जो गंगा का मैदान है, गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों द्वारा बनाया गया, इसमें हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल में फैला हुआ है। तो जिन ये गंगा नदी में की जो बहुत सारी सहायक नदियां हैं, यमुना है और भी गंगा की जो और सहायक नदी, यमुना की नदी, सहायक नदी, इन सारी नदियों का एक जाल होता है, एक नेटवर्क क्रिएट होता है और इन नदियों सब नदियां आके गंगा में मिल रही हैं। यमुना जो है वो संगम आबाद प्रयागराज में मिलती है। इसी तरह से जो जितनी ट्रिब्यूटरीज, जो ये मेजर दो नदियां हैं गंगा यमुना और इनकी बहुत सारी सहायक नदियां आकर मिलती हैं। इनका जो कैचमेंट एरिया है जहां जहां से ये बह के आ रही है, ओरिजिन से लेके और इनके नीचे तक बहने जिस नदी में ये जाके मिलती है, इसके पीछे में बहुत सारा बृहद विशाल मैदान का ये निर्माण करती है। इसी तरह से जो तीसरी भारत की जो प्रमुख नदी है ब्रह्मपुत्र नदी है जो असम में फैला हुआ है और ब्रह्मपुत्र उसकी सहायक नदियों द्वारा बनाया गया है। तो इसी तरह से जो दूसरा जो महत्वपूर्ण भारत का जो फिजियोग्राफिक लैंडफॉर्म है वो नदियों द्वारा बनाया गया है, जिसको प्लेन लैंड। तीसरा महत्वपूर्ण जो डिवीजन है वो मरुस्थलीय भाग, जिसको मरुस्थलीय भाग है जिसमें जो थार का मरुस्थल है वो भारत में मरुस्थल है जो विश्व का सातवां सबसे बड़ा मरुस्थल है।
इसी तरह से पहला कौन सा डेजर्ट है, दूसरा कौन सा है, किन किन देशों में कौन कौन से डेजर्ट हैं। डेजर्ट में भी जैसे एक होता है कि गर्म हॉट डेजर्ट एंड कोल्ड डेजर्ट भी है, जैसे लद्दाख का जो रीजन है वो कोल्ड डेजर्ट है और मरुस्थार जो है वो हॉट डेजर्ट है। इसी तरह से दुनिया में बहुत सारे डेजर्ट फैले हुए हैं, उनकी स्थिति क्या है, वो किन किस देश में है, उनकी उनका आकार क्या है, उनकी स्थिति क्या है, इस तरह के बहुत सारे सवाल आपको सवालों के उत्तर आपको खोजने चाहिए। जैसा कि जो भारत का जो प्रमुख डेजर्ट है वो थार है, जो राजस्थान में और कुछ भाग इसका पाकिस्तान में भी फैला हुआ है। इसका क्षेत्रफल लगभग 2 लाख वर्ग किलोमीटर से लेकर 2 लाख 38 हजार 700 वर्ग किलोमीटर तक है। तो हर लैंड फॉर्म के अंदर बहुत सारे गतिविधियां एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। हिमालय का अपना महत्व है, मैदानी भाग का अपना महत्व है, थार का भी अपना महत्व है। तो ये जो भी एक तरह से कहें कि भारत जो है वो विश्व में या और भी एक महत्वपूर्ण देश है, जहाँ पे जितनी भी प्राकृतिक रूप से प्राकृतिक क्षेत्र हो सकते हैं सब भारत में मौजूद है। मैदानी है, पहाड़ है, पठार है, मरुस्थल है, तटीय भाग है, द्वीप है। तो जितने जिस तरह के भी फीचर्स हो सकते हैं वो सारे फीचर्स भारत में। चौथा जो है प्रायद्वीपी पठार भाग, तो धरती का वो हिस्सा जो तीन ओर से समुद्र से घिरा होता है उसे प्रायद्वीप कहते हैं, पेनिनसुला कहते हैं। और भारत के प्रायद्वीप में विंध्य श्रेणी, मालवा का पठार, दक्कन का पठार, छोटा नागपुर का पठार, सतपुड़ा श्रेणी, अरावली श्रेणी, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट आते हैं। ये भी क्षेत्र बहुत बड़ा विशाल क्षेत्र है, बहुत सारे भूभाग भारत के बहुत सारे राज्यों में ये फैला हुआ है। मैप में जैसे हम लोग देख रहे थे तो एक बहुत बड़ा एरिया जो है वो प्रायद्वीपी पठार का है। और विंध्य श्रेणी भारत के मध्य में 1050 किलोमीटर में फैली हुई है, जो उत्तर भारत और दक्षिण भारत को अलग करती है। जैसा कि हम जानते हैं कि नॉर्थ इंडिया एंड साउथ इंडिया के बीच जो डिवीजन है वो विंध्य विंध्य के पहाड़ हैं, वो अलग अलग करते हैं। मालवा का पठार राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश में फैला हुआ है। इसकी औसत ऊंचाई 500 मीटर है। इसमें चंबल और माही जैसी नदियां हैं। चंबल, बेतवा, केन, ये सब मालवा के पठारी नदियां हैं जो पठार से निकल करके मैदान की तरफ। और सबसे जो दक्कन का पठार एक विशाल पठार है जो 19 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। इसकी औसत ऊंचाई जो है 6610 मीटर है। छोटा नागपुर का पठार मुख्य रूप से भारत के झारखंड प्रदेश में है, इसके अलावा यह बिहार, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ प्रदेश में भी है। सतपुड़ा श्रेणी गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में है और इसकी औसत ऊंचाई 1000 मीटर। अरावली श्रेणी जो दिल्ली, अरावली जो दिल्ली और गुजरात से होके गुजरती है, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। पश्चिम घाट को सह्याद्री पर्वत श्रेणी भी कहा जाता है। यह महाराष्ट्र गुजरात सीमा से शुरू होकर के महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु में फैली हुई है। पूर्वी घाट पश्चिम बंगाल से उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और तमिलनाडु में फैली हुई है। तो ये प्रायद्वीपी पठार है और इन पठार के अंदर बहुत सारे जो मिनरल्स हैं, जैसा कि हम सब जानते हैं कि कितने भी बहुत सारे ओर्स, मिनरल्स और फॉसिल्स फ्यूल्स का ये भंडार है। तो पठार जो है वो भारत का एक तरह से एनर्जी हाउस है और एनर्जी हाउस कहा जाता है। इसमें बहुत सारे आप जानते हैं कोयला, मैग्नीज और आयरन, कॉपर, ये जितने भी खनिज हैं प्रमुख रूप से इन सोना, चांदी, ये सब जो भी हैं ये पठारी प्रदेशों में मिलते हैं। पांचवा जो प्रमुख है, जैसे यहाँ इस मैप में आप देखिए हिमालय रेंज, थार का डेजर्ट, नॉर्दर्न प्लेन, पेनिनसुलर प्लेटू रीजन। ये पेनिनसुलर प्लेटू रीजन जो प्रायद्वीपी पठार भाग है, कितना बड़ा भूभाग इसमें फैला हुआ है। पांचवा जो है वो समुद्र तटीय मैदान है। तो भारत को दो समुद्र तटीय मैदान है, जैसा कि मैंने पूर्वी तटीय मैदान और पश्चिम तटीय मैदान। तो पूर्वी तटीय मैदान जो है वे अब बंगाल, जिसे बंगाल की खाड़ी है, इसमें कौन कौन से राज्य हैं उन राज्यों को आपको देखना है मैप में, और उन राज्यों से लगी हुई जो तटीय प्लेन्स हैं, कोस्टल प्लेन्स जिसको कहते हैं, तटीय मैदान। अब हम बात करेंगे पश्चिमी तटीय मैदान के अंतर्गत गुजरात, गोवा, कर्नाटक, केरल का तटीय मैदान आता है।
अब पूर्वी तटीय मैदान के अंतर्गत ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और तेलंगाना के तटीय मैदान आते हैं। इसमें कृष्णा, गोदावरी और महानदी के डेल्टा पाए जाते हैं, और जो बहुत जितनी नदियां हैं वो, अब नदियों के बारे में जब हम डिटेल से बात करेंगे तो उसमें वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स एंड ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स, आपको उन नदियों द्वारा जैसे बनाए हुए मैदान हैं, तो बहुत सारी नदियां जो हमारे ईस्ट कोस्ट में आती हैं उनकी ओरिजिन कहाँ है, ये कृष्णा, गोदावरी, महानदी, पठारी पठार से इनकी ओरिजिन है, गंगा, यमुना, ये सब इनकी ओरिजिन हिमालय से है, नर्मदा और ताप्ती जो वेस्टर्न वेस्ट में जाती हैं इनकी ओरिजिन कहाँ है, इन सारी नदियों का जो इतना बड़ा जो नेटवर्क है, जाल है, और उनकी ओरिजिन, उनकी लंबाई, उनका क्या फीचर्स है, वो किन किन राज्यों से होकर गुजरती हैं, नदियों द्वारा जो ईस्टर्न में डेल्टा का मैदान और जो ईस्ट में जो नदियां मिलती हैं वो डेल्टा बनाती हैं, जो वेस्ट में नदियां मिलती हैं वो एस्चुरी बनाती हैं, डेल्टा और एस्चुरी में क्या अंतर है, ये सब बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं, इस तरह की बातें हैं जो आपको जानना चाहिए। छठवां जो है वो द्वीप समूह, तो भारत में मुख्य भूमि के अलावा द्वीप समूह भी हैं, जैसा कि अंडमान निकोबार और ये लक्षद्वीप। समुद्र का वह हिस्सा जो सब ओर से समुद्र से घिरा होता है उसे द्वीप कहते हैं, और लक्षद्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। लक्षद्वीप समूह का जो क्षेत्रफल है 32 वर्ग किलोमीटर है, इसमें कुल 35 द्वीप, छोटे 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 आइसलैंड मिलके और आइसलेट मिलकर के एक बड़े भाग को, जिसको हम लक्षद्वीप कहते हैं, मिलके बनाते हैं। और दूसरा जो बहुत बड़ा भाग है वो अंडमान निकोबार है, जो बंगाल की खाड़ी में है। अंडमान निकोबार में कुल मिलकर के 572 द्वीप हैं। इसके अलावा द्वीप भी भारत के एक द्वीप गुजरात में, दमन और दीव, ऐसा उसमें जो दीव है वो भी आइसलैंड है जो कि गुजरात में है। अंडमान निकोबार में कौन कौन से भाग हैं, कार निकोबार, ग्रेट निकोबार, अंडमान निकोबार, और यहाँ ये बात भी मानना जरूरी है कि भारत का जो एक ज्वालामुखी का जो क्षेत्र है वो अंडमान निकोबार में पाया जाता है। तो इन द्वीप समूहों का क्या सांस्कृतिक, भौगोलिक, सामरिक रूप से क्या महत्व है, ये बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट प्रश्न है भारत के इस बात को जानने के लिए। तो इस प्रकार हम आज भारत के प्राकृतिक प्रदेश, भारत का विभाजन, भारत की कौन से जो प्रमुख द्वीप, प्रमुख क्षेत्र क्या क्या हैं, उनका क्या महत्व है, इसके बारे में जानने की कोशिश की। इनसे जुड़ी हुई बहुत सारे जो प्रश्न हैं उस प्रश्नों को भी आपको जानना जरूरी है कि भारत का जो सांस्कृतिक और भौगोलिक क्षेत्र का क्या महत्व है, भारत के कितने क्षेत्रों में, प्राकृतिक रूप से भारत को कितने क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है, कौन कौन से प्रमुख क्षेत्र हैं, उन प्रमुख क्षेत्रों के बारे में विस्तार से लिखिए, इस तरह के सवाल पूछे जाएंगे। बहुत सारे छोटे छोटे जो प्रतियोगी परीक्षाओं में इस तरह के बहुत सारे सवाल आएंगे, हिमालय और मैदानी भाग, मैदान के अंदर कौन कौन सी प्रमुख नदियां हैं, उनकी लंबाई क्या है, इस तरह के बहुत सारे सवालों को आपको एड्रेस करना चाहिए। और बहुत बहुत धन्यवाद, अगली कक्षा में हम लोग रूप से और भी बहुत सारी बातों पर चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद और आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच।